आर्थिक तंगी से परेशान शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर खुद सुसाइड कर लिया। थाना कोतवाली स्थित सफेदाबाद कस्बे में आर्थिक तंगी से परेशान शख्स ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों को जहरीला पदार्थ देकर खुद सुसाइड कर लिया। दिल दहला देने वाली इस घटना से यहां पर हड़कंप मच गया है। पता चला है कि सुसाइड करने वालों में माँ बाप और उनके तीन बच्चे शामिल हैं। बच्चों में दो बेटियां और एक बेटा है। शुरुआती पूछताछ में परिवार के आर्थिक तंगी के चलते सुसाइड करने की बात सामने आ रही है। मौके पर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा है। पुलिस ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के सफेदाबाद में रहने वाले 37 वर्षीय विवेक शुक्ला, उनकी पत्नी अनामिका, दो बेटियां पोयम शुक्ला, रितु शुक्ला और बेटा बबल शुक्ला मृत पाए गए। आस पड़ोस वालों के अनुसार परिवार वालों को दो दिन से किसी ने नहीं देखा था। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा है कि बच्चों की हत्या करने के बाद पिता ने आत्महत्या की है। वहीं मामले में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें विवेक शुक्ला ने लिखा है कि आर्थिक तंगी के चलते वह यह कदम उठा रहे हैं। वह अपने परिवार को कोई सुख नहीं दे पाया। पता चला है कि शादी के बाद से ही विवेक अपने माता पिता से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। पहले वह मोबाइल का काम करता था। इसके बाद उसने कुछ और काम किए लेकिन सफल नहीं हो सका। इस दौरान उस पर उधारी काफी हो गई थी। दो दिन से उसका परिवार घर से बाहर निकला नहीं था। वहीं ऐसा लगातार चल रहा था। आज सुबह जब विवेक की मां ने छत से कमरे के जंगले में झांक कर देखा तो विवेक की फंदे से लटकी लाश दिखी। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे को जानकारी दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आज दिनांक 5 जून 2020 को सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सफेदाबाद थाना कोतवाली बाराबंकी के मूल निवासी श्री विवेक शुक्ल पुत्र भुवन मोहन शुक्ल, जिनकी उम्र लगभग 38-47 वर्ष थी, ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों सहित आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मृतक विवेक शुक्ल का स्वयं का पक्का मकान है जिसमें लगा हुआ एयर कंडीशन चलता हुआ पाया गया। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सुसंगत साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मृतक के पिता ने बातचीत के दौरान बताया कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनका मृतक से कोई संबंध नहीं था। उनके घर का आने जाने का रास्ता भी अलग था। घटना की सूचना मिलते ही मैं और जिलाधिकारी बाराबंकी मौके पर गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधीनस्थों को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U News को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।